आपका टूट गया अभी? हमारा घर मेरा सामान पूरा लेके गए, कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़ा पूरा, पुलिस खड़ी हुई के भरवाई गाड़ी में। कलेक्टर ऑफिस वगैरह था? कलेक्टर वाला भी था। कुछ किया उसने? आपकी सुनवाई करी? कुछ नहीं सुनवाई, कागज बहा दिया। जाहिर पत्र लगाया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं? आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है अभी? 15 साल से। 15 साल से कोर्ट में आप चल रहे हो? 15 साल से। अच्छा, मोदी जी को आप क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके से इंसाफ आपको मिलना चाहिए? मोदी जी का बोला कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब पैसे वाले पुलिस सुनवाई करती, डीएमसी सुनवाई करती, कलेक्टर सुनवाई करता। हमारा डीएमसी का डिग्री है, लिख के दिया डीएमसी कि हमको इस जगह से मतलब नहीं है, तभी मेरा सुनवाई नहीं है। तो आप कलेक्टर को क्या चेतावनी देना चाहोगे? कलेक्टर की मैं ऊपर केस कर रहा हूं, मेरा सामान दिए। अच्छा, 3-4 लाख रुपया तो खा चुका कलेक्टर मार। तो कौन सा नाम किसका बोली? सब जाने से हम पढ़े नहीं हैं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहोगे? हमारा जगह मेरा घर पर चाहिए। जगह पे चाहिए आपको? हमको वही चाहिए। नहीं अगर मिला तो क्या करोगे आप? उनकी अपना जान देगी उनकी। आप आत्महत्या करेंगे? हाँ। और उसके जवाबदार कौन रहेंगे? आप आत्महत्या करोगे? पुलिस, कलेक्टर, पुलिस, कलेक्टर और पुलिस रहेंगे। अरे साहब के पास जा रहे बाबा, उधर जाइए ना, साहब के पास ही जा रहे हैं। मिलने जाए ना फिर, जाओ ना उधर। हेलो, लो लो लो, सब के लिए पेपर चेक करा आणि नंतर आत लावा। हो साहेब, ही पेपर चेक करा ना तुम्ही, पेपर चेक करा ना। हो जरा बघा, ही पेपर आहे आपल्याकडे, अपील आहे कलेक्टर मध्ये, अपील आहे मध्ये मॅटर आहे। बघा इकडे बघा, कोर्टची फाईल बघा, कोर्टाची फाईल बघा। ठीक आहे, हा डिप्युटी कलेक्टर दिलेला आहे, कलेक्टर दिलेला आहे, दाखवा दादा, हे बघा दादा, बघा ना जरा, मी काय बोलतो ऐका ना। हो साहेब, पेपर बघा ना। हो साहेब, हो तुम्ही साहेब पेपर बघणार नाही काय? बघायला दिसत नाही लोकांना, कोण लोक नाही तोडर गेल। हो साहेब, मी अधिकारीशी बोलणं केलेलं आहे मॅडम, तुम्ही कशाला मध्ये येते मॅडम? मला अधिकारीशी बोलणं कर द्या, अधिकारीशी बोलणं झालं, तुम्ही बोलते का? अधिकारीला बोलला द्या ना, अधिकारीला बोला द्या ना। ते काय कोर्टच्या मान्यता नाही का? काय कोर्टच्या मान्यता काय नाही का? अरे लेकिन मेरे को बताओ, कोर्ट का कुछ मान्यता है? पुलिस को भी डिस्पैच कॉपी है ना एक? तो कुछ मान डॉक्युमेंट है मैडम, तिकडे डॉक्युमेंट वगैरह काय झालं तर तुमची जिम्मेदारी। तुम्ही मला थांबवले, मला डॉक्युमेंट घ्यायला दिलेलं नाही तुम्ही, त्याला थांबवा, माझ्या डॉक्युमेंट आहे आतमध्ये। भोसले मॅडमला सांगितले मी, जो जुना स्ट्रक्चर आहे ना त्याला हात नको लावा, पेपर बघा, आणि नवीन नवीन आहे ना, नवीन तोडा, मीडिया मीडियावाला आहे, नवीन तोडा। आणि मी काय म्हणतो साहेब, तुम्ही पेपर बघा ना पहिले, पेपर बघा, तो स्ट्रक्चर तो असाच आहे, तुम्ही काय केलं नाही, तो जुना स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही कारवाई करतात, तुम्ही पेपर बघा ना, कारवाई करा ना। आपल्याच्या ह्याच्या उत्तर आलेला नाही, ह्याच्या उत्तर 2008 दिलेलं आहे जिल्हाधिकारीला, आणि त्याच्या सगळे पुरावे आपल्याला जोडलेलं आहे, तुम्ही पेपर बघा साहेब। तुम्हाला काय सांगायचं आहे? तुम्हाला सर बघा, पेपर बघा, मला काही सांगायचं नाही। 8 दिवस तुम्ही पेपर तिकडे जाऊन सांगायचं, म्हणजे कुठले मॅडमला बोलायचं, तिथे शिवना त्यांना बोलायचं, त्यांनी बोलले काय, तुम्ही आता तिकडे आले ना, त्यांना सांगा, मला सांगू नका, तुम्ही त्यांना सांगा, मला सांगून काही फायदा नाही।
डॉक्युमेंट सांगू 2000 चे पहिले के डॉक्युमेंटेशन आहे हे बीएमसी कलेक्टर की जबाबदारी आहे काय सांगायची तर तुम्हाला तुम अधिकाऱ्याला सांगायचं मला सांगू किती सालचा आप रिटो आहे कितने बार नोटिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2000 से पहले का है और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीएमसी ने नोटिस इनके नाम से दी नहीं है, खाली जारी नोटिस खाली लगा दिया। कलेक्टर का वही है ना, आपके नाम से तो नहीं है ना। और ये अधिकारी हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है। अधिकारी का बोलना ये है कि आप ऊपर जाके बात करो। पेपर इपर तरी पाठवता डायरेक्ट असं तुम्ही तोडणार विचारा दुसरा काय माणूस आहे का काय जनावर आहे। क्या क्या सामान गया है तुम्हारा? अभी बर्तन बहुत रहा लेके गए। और क्या दिया था? ले गए और कागज रहा ओका ले गए, थोड़ा उठाक ले गए सब। डॉक्यूमेंटेशन गया आपका? हाँ। अच्छा, आप क्या बोलना चाहोगे सरकार? आप कभी से रहते हो यहाँ पे? हम यहाँ 28 साल हो गए। तो आपका कोई पेपर अधिकारी ने देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखते। पेपर नहीं देखते? दादागिरी करते हैं, पेपर बाहर देते हैं। क्या क्या पेपर आपके पास? हाथ डालते हैं के लिए नहीं आता है भाई, सब खाली जाते। ये 20 साल से ऐसे ही टूटते रहता। लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद भी कोई हमको मदद करता नहीं, भेज देते उठा के। 15 साल से आप लड़ रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं रखते, पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। क्या बोलना चाहोगे कलेक्टर को? क्या क्या बोलना, चेतावनी देना चाहोगे आप? इंसाफ मांग रहे हैं उनसे। आप क्या अच्छा आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ के जो कलेक्टर है, मुंबई के जो कलेक्टर है, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? हम लोग वही हम लोग आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन आईडी है, सर्वे पहुँची है, फोटो पास है, सब कुछ है। 4 मीटर है, मीटर मेरा दादागिरी का कटवा दिए, जैसे पावर रहती है। पानी के लाइट बिल वगैरह सब आपके पास? सब हमारे पास है। तो फिर भी आपका तोड़ा? तोड़ते हैं, ऊपर हाथ डालते मारने पुलिस वाला। कोई पुलिस वाले देखते? अधिकारी कोई बोलता क्या? नहीं कुछ नहीं, नहीं पुलिस वाले मारते हैं पुलिस वाले। अच्छा, अधिकारी कोई रहता उनके साथ? अधिकारी रहते कलेक्टर वाले। कलेक्टर तो सरकार से निवेदन कर रहे कि प्लीज हमारे लिए थोड़ा कुछ मदद के लिए आप आगे आए और हम लोग को मदद करें। हम लोग थकते हैं। हमारे पास कोई पास में 95 के प्रूफ पे इलेक्शन आईडी है, इलेक्शन 95 का इलेक्शन आईडी है जो खरीदा हुआ है, पहुंची है। ये लाइट बिल है आपका? हमारा कोई शुरू बेगर राधा के दादागिरी मेरा कपड़ा तोड़ देते। अब सीनियर सिटीजन 80 साल मेरी उम्र है, हमको मारती पुलिस। आप क्या बोलना चाहोगे अधिकारी को? आप क्या बोलना चाहोगे? हम बोलना चाहते कि मेरा निर्णय सिंह जाए। मैं 15 साल से कोर्ट में मर रही है। 15 साल से आपका कोर्ट में केस चालू है? हाँ, तो भी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, पेपर बहा देते, पेपर नहीं देखते, पेपर फेंक देते सीधा, पेपर फेंक देते, मारते हैं पुलिस वाले, पैसा मांगते हैं। आपका नाम क्या है? आशा रंजन मतले। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हो? 10 साल से। 10 साल से। आपको नोटिस वगैरह मिली थी? नोटिस मिला, कुछ नहीं नोटिस मिला, वो भी हमको नहीं मिला। 4 साल में 6 महीने। आप क्या बोलना चाहोगे? कलेक्टर ने आपके साथ में अत्याचार किया है, 2011 का GRB निकला है, मोदी जी ने बोला था कि भाई सबको घर देंगे, फ्री हाउसिंग फॉर ऑल निकाला है, तो आपको क्या लगता है घर दे दिया मोदी जी ने? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गरीब लोग थोड़ी। महाराष्ट्र जो सरकार जो CM है उससे क्या बोलना चाहोगे आप? आपका तो जो घर था, यही बोलना चाहता है कि गरीब लोग को झोपड़ा दो या तो कुछ शिफ्टिंग दो, कुछ भी दो ना, खाली बार बार आके तोड़ देगा पब्लिक। हम कितने साल से तोड़ रही है बिना नोटिस के कलेक्टर? उसके बहुत बार तोड़े। इसमें किसका ज्यादा रोल होता है? रोल किसका ज्यादा? सब पुलिस वाले का रहता है। अधिकारी अधिकारी मारते ऐसे लेके जाते अधिकारी से? पुलिस भी हाथ उठाती पाए। आप जो है आप अधिकारी अधिकारी को आप बोलते हो कि पेपर चेक करो वगैरह? पेपर चेक करने के बोलते हैं, मगर हम लोग पेपर बनाने देते नहीं।
अच्छा पेपर दिखा देखने के लिए देते नहीं है? देते नहीं। तो आप कलेक्टर को क्या बोलना चाहोगे? आप पेपर होने के बावजूद भी आपका घर बार बार टूट जा रहा है, तो आप क्या क्या बोलना चाहोगे और महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हम लोग के पास किसी के पास पेपर है किसी के पास नहीं है, मगर यहाँ का सब जो म्यूनसिपालिटी है बहुत साल से लोग रहते हैं। हम लोग ये बोलना चाहेंगे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी हमारे झोपड़े तोड़ रहे, हमारे बच्चों की स्कूल खराब हो रही है। कभी बीएमसी बोलती कि हम तोड़ रहे, कभी वन विभाग वाले बोलते कि हम तोड़ रहे, कभी आते फॉरेस्ट वाले बोलते हैं हम तोड़ रहे। तो ऐसा कब तक तोड़ेंगे? बारिश देखते नहीं, धूप देखते नहीं, ठंडी देखते नहीं, बस हमारे झोपड़े उजाड़ के जाते। आज पक्का मकान है जो नहीं तोड़ा गया, लेकिन अच्छा। हम गरीबों का झोपड़ा बराबर तोड़ा गया। अच्छा आप क्या बोलना चाहोगे या जो कलेक्टर है, जो मुंबई कलेक्टर है, उसको क्या चेतावनी आप देना चाहोगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाए ये हमको बताए। सब बोलते गवर्नमेंट की जगह, तो हम आम जनता गरीबों की जगह किधर है? जब भगवान ने हमको गरीब पैदा किया, हमारा कसूर क्या है? क्या जो हम गरीब पैदा हुए, हमको न्याय चाहिए जनता से, जनता को। अपना ये जो कलेक्टर से आपको न्याय चाहिए? हाँ। और महाराष्ट्र के जो नया सीएम बने उनसे क्या आप अपील करते हो, क्या मांग करते हो? अपील करते कि हमारा घर रहने दो, हमारे झोपड़पट्टी रहने दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई मत खराब करो, हमको मत भगाओ इधर से, हम गरीब हम भी। कितने साल से रहते हो आप यहाँ? देखो यहाँ 15 साल हो गया, मेरा मर्द मर गया इधर, हम लोग यहीं पढ़े, 4 बच्चे मेरे, 2 स्कूल जाते, जो मजदूरी करते मेहनत मजदूरी यहाँ पढ़े, हम भाड़ा नहीं भर सकते, नहीं तो यहाँ अत्याचार हम नहीं सहते थे इनकी। अच्छा आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड। आप अपील किए कलेक्टर में, अपील वगैरह किए? अपील किए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। ओके, इसके जो खिलाफ है ना, हम आवाज़ उठाएंगे, रियल वेज फाउंडेशन आपको मदद करेगी और इस हम बोलेंगे कि आपको सपोर्ट करें, ठीक है? अच्छा हाँ, तो आप क्या बोलना चाहोगे सरकार से, क्या मांगे आपको? ये बोलना चाहूँगा जितनी भी हमारी यहाँ की अवाम है, उसको जो झोपड़पट्टी है बसी रहने दो, उसको उजाड़ो मत। और दूसरी बात, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, और यहाँ मच्छरों में बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या है कि बच्चे लोग की जो तकलीफें हैं, तो हमारे को यहाँ के जितनी भी हमारे 200-250 झोपड़े जो भी हैं हमारे यहाँ बसे हुए हैं, उनको जो है मत उजाड़ो। अगर उजाड़ना है तो कहीं आप मुझे शिफ्टिंग दे दो। और बच्चे जितने भी हैं यहाँ, गरीब लोग रहते हैं, अमीर लोग नहीं है। अभी जो अमीर लोग हैं, सामने का जो है नोटिस आया हुआ है, वो लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, तो उसके बाद में वो पैसा जमा हो गया। तो किधर पैसा जमा हुआ, आपका क्या बोला है? कलेक्टर में पैसा जमा हुआ है। हाँ। सामने की नोटिस आई थी, यहाँ की नोटिस नहीं थी। अच्छा, यहाँ सिर्फ जाहिर पत्र दिया गया है। अच्छा, नोटिस सामने की आई थी। हाँ। वो लोगों को तोड़ के, मतलब वो लोग का दिखाना था कि भाई डेमोलेशन कर रहे, तो उन्होंने यहाँ का डेमोलेशन किया। ये सरासर गलत हुआ आप लोग के साथ, ये गलत हुआ है। और सामने इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे सब? सामने यहाँ पक्का बना हुआ है, उस पर तवज्जो कुछ भी नहीं होने टूटा है, तो इसके लिए कैसा कि हम लोग सब मिल के साथ आवाज़ उठाएंगे। हमारे सीएम साहब ने यही बुझाई थी कि यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ बसा रहे हैं, बस।